सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीगढ़ ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे आप लोग फ्रेंड्स, इस वक्त हम मथुरा बाईपास वाले रोड पर हैं और अलीगढ़ से ये जो लोकेशन है ये 15 किलोमीटर है और बस स्टैंड जो है गांधी पार्क वाला, वहाँ से आप 10 किलोमीटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसी के साथ आए हैं, यहाँ पर ऑनलाइन पेपर का सेंटर पड़ा है। तो जो कॉलेज है वो भी मैं दिखाऊँगा आपको। और बाकी आप देख सकते हैं आज काफ़ी कोहरा है। जब मैं घर से निकला था तो इतना कोहरा नहीं था, इस वक्त 8:30 बज रहे हैं और कोहरा काफ़ी हो गया। देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और जो कॉलेज है वो भी थोड़ा अंदर है, मतलब रोड से थोड़ा अंदर की तरफ है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप खेत है, तो यहाँ पे कोहरा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। बाकी मैं आपको कॉलेज दिखाता हूँ कौन सा है, क्योंकि जितने भी अलीगढ़ में ऑनलाइन पेपर होते हैं उसका ज़्यादातर सेंटर तो ITM कॉलेज में पड़ता है, जो दिल्ली पल्लव वाले रोड पर है। बाकी यहाँ पर भी सेंटर पढ़ना शुरू हो गया जहाँ पर मैं आया हूँ, ये मथुरा बाईपास रोड पर है। तो सासनी गेट पर जो सर्किल है वहाँ से जब आप मथुरा बाईपास के लिए एंटर करेंगे तो आपको 5-6 किलोमीटर आगे चलना है सीधे, और राइट हैंड साइड पे एक मोड़ पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कॉलेज वॉलेज, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कोहरा। मैं बैक कैमरा दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप कोहरा कितना है और कोहरा बढ़ता ही जा रहा है। पास का भी नहीं दिख रहा, आप देख सकते हैं कुछ। ये देखिए, ये मतलब खेत है, यहाँ दोनों तरफ देख सकते हैं आप, और ये पतला रोड है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कॉलेज है, क्योंकि अलीगढ़ से जो भी हैं मतलब उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि ये कॉलेज कहाँ पे। कॉलेज का मैं आपको दिखाता हूँ और क्या नाम है ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। और बाकी मैंने जो अलीगढ़ का रेलवे स्टेशन है वहाँ से आप मान सकते हैं 10 किलोमीटर। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से अगर आप चलेंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ से सासनी गेट तक आ जाना है। सासनी गेट पे आते ही वहाँ पे एक सर्कल पड़ता है, अगर आप लेफ्ट हैंड की तरफ चले जाएंगे तो आगरा रोड की तरफ चले जाएंगे, वहाँ नहीं आना है। सासनी गेट के जो सर्कल है उससे सीधे जमाना है आपको मथुरा बाईपास वाले रोड पे, और 5 किलोमीटर चलना है आपको मथुरा बाईपास वाले रोड पर, और उसके बाद राइट हैंड साइड में मुड़ जाना है। मैप पे आप देख लीजिएगा, और आ जाइए इधर की तरफ है, इधर है, इधर आइए, अरे इधर की तरफ। तो ये लोग भी कॉलेज ही ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही आप मुड़ेंगे राइट हैंड साइड पे 500-600 मीटर की दूरी पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्कूल है। ये लोग भी सेंटर ढूंढ रहे हैं, आगे से राइट हैंड साइड में मुड़ जाइएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। वैसे 90% जो ऑनलाइन पेपर होते हैं वो ITM कॉलेज में ही पढ़ते हैं, पहली बार यहाँ पढ़ा है सेंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने ही स्कूल है, लेकिन देख नहीं रहा है कोहरे की वजह से। मैं दिखाता हूँ पास से, तो स्कूल का नाम देख सकते हैं आप, डॉक्टर सन्नो रानी सरस्वती केंद्र महाविद्यालय केशव सेवा धर्म मथुरा रोड पर पढ़ता है। ये देखिए, और देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग की भी जगह है। पार्किंग की भी स्पेस है यहाँ पे, बाकी बेल्ट बैग और मोबाइल वोबाइल भी सबमिट हो जाता है, मतलब काउंटर भी यहाँ पे मेन गेट पे, उसके कुछ चार्जेस होंगे। और ये रास्ता जा रहा है मेन रोड की तरफ, चलिए बाहर चलते हैं, बाहर का व्यू दिखाते हैं वहाँ पे। कोहरा बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं बिल्कुल सामने का भी नहीं दिख रहा है। स्कूल भी देख मैंने दिखाया, बिल्कुल सामने ही था, और जब मैं आया था तो नहीं था कोहरा। तो अलीगढ़ में मेरे ख्याल से इतनी सर्दी पहली बार पड़ी आज, मतलब इस बार की सर्दी में सबसे ज़्यादा सर्दी आज ही है, कोहरा भी और सर्दी भी। सुबह में नहीं था, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है कोहरा बढ़ता जा रहा है, तो कुछ दिख भी नहीं रहा आसपास का। और बाकी जो मेन रोड है वहाँ पे भी ज़्यादा दुकानों का नहीं है, क्योंकि हाईवे है वो, वैसे ही है, आउटर में पड़ता है काफ़ी। बाकी अगर आपका सेंटर पड़े तो बिल्कुल सीधा रास्ता है, कोई वैसी परेशान होने वाली बात नहीं है, ऑन रोड ही है बिल्कुल सीधे। और गूगल पे भी डालेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से पहुंच जाएंगे।
ये देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ खेत है गेहूँ के, तो गेहूँ का भी सीज़न आ चुका है क्योंकि दिसंबर में ही देखिए लगाए जाते हैं और थोड़े बड़े भी हो गए गेहूँ, और इनका जो कटने का टाइम होता है मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में कट जाते हैं। ये छोटे छोटे गेहूँ भी हैं, और ये बराबर में भी एक स्कूल है यहाँ पर CBSE का, और जिसमें सेंटर पड़ा था वो कॉलेज है, देख सकते हैं आप 10-15 की स्पीड में गाड़ियाँ चल रही हैं मैक्सिमम, क्योंकि बिल्कुल करीब कहीं नहीं दिख रहा। देखिए एक स्कूल यहाँ पर और है CP गुप्ता सरस्वती, देख सकते हैं आप। तो फाइनली पहुँच चुके हैं बाईपास रोड पे, सामने आप देख सकते हैं बाईपास है, तो यहीं से आपको मुड़ना रहेगा। ये बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप कासनी गेट से आ रहे होंगे तो मैं पहचान बता दे रहा हूँ। 5-6 किलोमीटर चलने के बाद राइट हैंड साइड पर कहाँ मुड़ना है आपको, ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, NCC का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये पहचान हो जाएगी। जहाँ NCC का बोर्ड देखिए आपको राइट हैंड साइड पर, वहीं मुड़ जाना है आपको, और यहाँ से 500 मीटर अंदर जाना है, और अंदर जाने के बाद कॉलेज पड़ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। सो फ्रेंड इस वक्त दिन के 11:30 बज रहे हैं और कोहरा हट चुका है पूरा और धूप निकल चुकी है। ये है सामने कॉलेज, और देख सकते हैं इसके चारों तरफ खेत है। सुबह में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था, ये देखिए ये सब गेहूं के खेत हैं। और अंदर जाने के बाद मेरे ख्याल 2-2.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद गांव है एक छोटा सा, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। जैसे ही एंटर होंगे तो यही यहाँ इस स्कूल पड़ेगा एक, उसके बाद थोड़ा और आगे आएंगे तो ये सामने कॉलेज पड़ेगा। तो 11:30 बज रहे हैं, आधा घंटे का और टाइम है, चलते हैं फिर यहाँ से। और मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है, 11:30 बजे करीब निकली है धूप। इधर वाले खेत में तो छोटे छोटे हैं गेहूँ, और इधर के थोड़े बड़े हो चुके हैं।